ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज संपूर्ण कलिसिया संत लूसी का पर्व मनाती है। उनके माता पिता एक राजकीय परिवार से थे। उनका जन्म इटली में हुआ था। उनके पिता की मृत्यु के बाद उनकी माता ने उसकी देखभाल करी। बचपन से ही उन्होंने प्रभु को अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। वह प्रभु के कार्यों को ही करना चाहती थी, परंतु उनकी माता ने उनका विवाह एक गैर क्रिश्चियन से कर दिया। जब संत लूसी की माँ रक्त स्त्राव से पीड़ित थी, तब संत अगाथा की कब्र पर उन्हें ले जाया गया, जो कि वहाँ से 50 मील की दूरी पर है। जब वे वहाँ पहुँचे तो तुरंत ही उनकी माँ ठीक हो गई। तब उनकी माँ ने विश्वास किया और प्रभु में अपने जीवन को व्यापन करने का दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने संत लूसी को अधिकार दिया कि वह अपनी संपत्ति का हिस्सा गरीबों में बांट दे। संत लूसी अपने पति को संत सिसिलिया के पति के समान बनाना चाहती थी। वह भी अपने पति को सही मार्ग पर ले जाकर प्रभु के लिए कार्य करने के लिए आगे लाना चाहती थी, परंतु वह असमर्थ रही। उनके पति ने उनके साथ विश्वासघात किया। उन्होंने जाकर राज्यपाल से इसकी शिकायत की कि वह यीशु की उपासना करती है, उसकी आराधना करती है और अच्छे अच्छे कार्य करती है। तब राज्यपाल ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें आग की लपटों में फेंक दिया, परंतु आग की लपटें उन्हें छू नहीं पाई। अंत में राज्यपाल ने उनकी गर्दन को काट दिया गया। उनकी मृत्यु 13 दिसंबर 304 में हुई। आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम इस संत के माध्यम से प्रार्थना करें कि हमारा जीवन प्रभु के लिए समर्पित हो और लोगों की सेवा में अपने जीवन को हम भी अर्पित कर सकें, प्रभु के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकें।